हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, पाठ 13 हमारा राइट भाग, इसको हमने पिछले जो है वीडियो में इसको पढ़ा था, इसका अर्थ जाना था। आज हम लोग जो है इस पाठ का अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड उसका आंसर जो है लिखेंगे। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न में बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और क में लिखा है हमारे झंडे में कितने रंग है। तो आप पाठ पढ़े थे 3 रंग का झंडा मेरा, ठीक है, कितने रंग थे? 3 रंग थे उसमें। तो आप उसमें ऑप्शन में दिया है, आप बुक में देखेंगे अपने, तो ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है ऑप्शन नंबर ब सही मानेंगे, सही का उसमें निशान लगाएंगे और जो है ये यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है, ब में 3 लिखा है। और उसके बाद जो है हमारा ख, भारत की शान क्या है, लिखा है भारत की शान क्या है। तो आप देखे थे कि हमारा जो राष्ट्रध्वज होता है वो भारत की शान होता है, ठीक है, तिरंगा झंडा। तो इसमें ऑप्शन दिया है जो तिरंगा, शेर, बालक की, इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे तिरंगा, जो ऑप्शन नंबर ओ में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ओ करेक्ट ऑप्शन होगा और वहां पर आप करेक्ट का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो आप जो है पढ़े थे, यहाँ लिखा गया था केसरिया रंग देता साहस, तो साहस का एक प्रतीक है केसरिया रंग। और हमने जो है कविता में आपको जब इसका अर्थ समझा रहा था तो बताया था कि केसरिया रंग जो है बलिदान का भी प्रतीक है, ठीक है। तो केसरिया रंग जो है बच्चों ये साहस और बलिदान दोनों का प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है इसमें कि ऑप्शन नंबर ऑफ बलिदान का, साहस का, फिर सौ में दिया है इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी बताया गया कि बलिदान और साहस दोनों का होता है, तो आप 100 ऑप्शन सही मानेंगे, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे और लिखेंगे इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का मतलब साहस और बलिदान, या बलिदान और साहस दोनों का। फिर लास्ट क्वेश्चन है जो इसका, चक्र क्या दर्शाता है, चक्र क्या दर्शाता है। अभी हमने बताया कि चक्र में कुल 24 तिलियां होती है, वो जो 24 तिलियां होती है वो हमको लगातार आगे बढ़ने के लिए दर्शाती है, मतलब हमको प्रगति करने के लिए दर्शाती है। तो यहाँ लिखा है खुशहाली, साहस, प्रगति, ठीक है। तो ये क्या है जो प्रगति, चक्र क्या दर्शाता है, प्रगति को दर्शाता है, मतलब विकास को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 100 आप करेक्ट का निशान लगाएंगे, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन बच्चों ये हमारा समाप्त हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, कविता में आए शब्दों को समझिए, कविता में आए शब्दों को समझिए और लिखिए, ये प्रश्न है हमारा। और शब्द क्या है जो केसरिया, पहला है केसरिया, इसी शब्द को आपको आगे बढ़ा कर लिखना है राइटिंग में, इसी को आपको सेम लिख देना है, जो केसरिया है केसरिया लिख दिया, केवल आपको इसको समझना है कि केसरिया क्या है, ये रंग है, ठीक है,
जो झंडे के एकदम टॉप पर होता है, ऊपरी हिस्से में होता है, ऊपरी भाग में जो पट्टी होती है एक केसरिया कलर की होती है, जो हमको यह बताती है वो जो जो किसका प्रतीक है, ये आपको बताया गया साहस और बलिदान का। ठीक, फिर आगे दूसरा है वर्ड इसमें जो प्राण, प्राण का मतलब होता है जीवन से, ठीक है, प्राण का मतलब क्या होता है जीवन से, ठीक है, प्राण का मतलब क्या होता है बच्चों जीवन होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया था कि देश हमें प्राणों से प्यारा, जो हमारा देश है वो हमको अपने प्राणों से भी क्या है प्यारा है, ठीक है। एक कविता में यह शब्द आया था, इसको आप समझेंगे कि अपने जीवन से भी प्यारा जो है क्या है हमारा देश है, ठीक है, इसलिए ये प्राण शब्द यहाँ पर आया हुआ है, इसका मतलब होता है जीवन, और इसको आप लिखेंगे प्राण, इसी शब्द को आप लिखेंगे प्राण, ठीक है, अर्थ नहीं लिखना है आपको, केवल इसका दोहराना है। फिर आगे जो शांति क्या है, शांति शांति इस तरीके से लिखा हुआ है, शांति का प्रतीक सफेद रंग को माना जाता है, जो हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे जो बॉटम में होता है पट्टी वो किस कलर का होता है, वो होता है आपका व्हाइट कलर का, ठीक है, जो किसका प्रतीक माना जाता है बच्चों, किसका सिंबल है वो शांति का सिंबल है, ठीक है, बताए थे जो कविता पढ़ाया जा रहा था तो उसमें, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर शांति शब्द आया है, इसको आप दोहरा के लिखेंगे सुंदर अक्षरों में शांति इस तरीके से, ठीक है, साफ साफ आप और सुंदर लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चों यहाँ खुशहाली, खुशहाली, खुशहाली को आप खुशहाली लिखेंगे, खुशहाली आप लिखेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है आपका भारत, भारत यहाँ आप भारत लिखेंगे। और नेक्स्ट है वर्ड आपका शान, शान यहाँ लिखेंगे। अब एक खुशहाली का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक कौन था, हरा रंग, ठीक है। अभी देखिए इसमें आपको थोड़ा सा गलत बता दिया गया बच्चों, ठीक है, ये जो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको आपको गलत बताया गया था, ठीक है, नहीं उसमें कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, जो शांति का प्रतीक होता है सफेद रंग वो हमारा मिडिल में होता है, ठीक है, हमने उसमें गलती से कर दिया, ठीक है, तो ये मिडिल में होता है सफेद रंग आपका व्हाइट कलर, ठीक है, बॉटम में नहीं, तो बॉटम में कौन होता है नीचे एकदम सबसे सबसे नीचे कौन होता है हरा रंग होता है ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ पर जो है जो सफेद रंग होता है मिडिल में वो हमको शांति का जो है प्रतीक होता है, ठीक है, वो रंग किसका प्रतीक होता है शांति का, जो बीच में होता है, ठीक है, बीच की जो पट्टी होती है तिरंगे की वो सफेद रंग की होती है, जो शांति का प्रतीक होता है, और जो आपका सबसे निचला पट्टी होता है हरे कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है वो जो है हमारा खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये आप जानेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बच्चों, इसको ख्याल रखेंगे। उसके बाद जो भारत है, भारत क्या है, भारत शब्द यहाँ क्यों आया है, भारत अपने राष्ट्र का नाम है, अपने देश का नाम है, राष्ट्र माने देश, ठीक है, इसीलिए भारत शब्द लिखा है, और उसको आप सुंदर अक्षर में लिखेंगे। उसके बाद लिखा है जो शान, शान का मतलब गर्व से मतलब है, ठीक है, शान का मतलब गर्व से मतलब है, ठीक है, शान का मतलब क्या होता है गर्व, ठीक है, तो शान शब्द को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो वहां लिखा था शान शब्द यहाँ क्यों आया है, आपकी कविता में शब्द आया हुआ जरूर, तो देखिए यहाँ पर कहाँ आया है भाई, तीन रंग का अपना झंडा मिलजुल कर लहराएंगे,
लाइन में आप देखेंगे भारत की है शानी है, ठीक है, भारत का शान कौन है, एक हमारा राष्ट्रध्वज है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ शान समझाया बच्चों, ठीक है, ये हमारा गर्व है, ठीक है, हमारा शान है, इसीलिए यहाँ शान समझाया, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है समाप्त हुआ बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया जो प्रश्न उत्तर है, इसको आप नोट करेंगे। उत्तर प्रश्न उत्तर है जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, उत्तर नंबर कौन लिखेंगे आप, इसका केवल उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर नंबर क, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर नंबर क है, झंडे हमारे झंडे में कितने रंग की पट्टियां होती है, अभी आपको बताएगा, हमारे उत्तर लिखेंगे हमारे झंडे में 3 रंगों की पट्टियां देखिए इस तरीके से पट्टियां होती है, ठीक है, हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियां होती है। ये बच्चों यहाँ पर आधा टो लिखा गया है, आधा टो को क्या कहते हैं, टो लिखेंगे पूरा और उसके नीचे ये लग्द लगाएंगे, तो ये आधा टो हो जाता है पट्टियां, ठीक है, टो पर फिर छोटी का मतलब लगाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा ख है, देखिए उत्तर नंबर ख, उत्तर नंबर ख डालेंगे आप, ख में लिखा बच्चों सफेद रंग किसका प्रतीक है, अभी अभी हमने बताया जो कंफ्यूजन हुआ था, तो लिखेंगे सफेद रंग, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, शांति का, शांति इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी शांति का प्रतीक है, ठीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। झंडे के चक्र में कितनी तिलियां है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, अभी आपको बताए थे ग में, ग का उत्तर आप लिखेंगे झंडे के चक्र में, झंडे चक्र में 24 तीलियां है, तीलियां है या होती है, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे आप। उसके बाद जो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, कविता में किसका गुणगान करने को कहा गया है, ठीक है, कविता में देश अथवा राष्ट्र की गुणगान करने को कहा गया है, उत्तर नंबर ध, उत्तर नंबर घ लिखेंगे, कविता में देश की गुणगान, देश का गुणगान गान
से इसको अलग लिखेंगे। करने को कहा गया है, करने को कहा गया है। इसको आप मिला लेंगे, ठीक है। कविता में देश का गुणगान करने को कहा गया है, ठीक है। किसका गुणगान करने को कहा गया है? देश का, ठीक, देश अथवा राष्ट्र का। तो ये बच्चों आपका अभ्यास प्रश्न से जो रिलेटेड क्वेश्चन था ये हम लोग आज लिखे हैं, नोट किए हैं, इसको आप सुंदरता से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों शब्द बोध, व्याकरण बोध और रचनात्मक कार्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन को राइट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।